गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कास्ट एरन एंड टाइप्स ऑफ कास्ट एरन। कास्ट एरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पिग एरन विच इज री मेल्टेड विद कोक एंड लाइमस्टोन। पिग एरन इज नथिंग बट अ इम्प्योर आयरन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द आयरन ओर्स। कास्ट एरन हैज अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। कास्ट एरन बेसिकली जो रॉ जो पिग एरन होता है, पिग एरन इज अ रॉ आयरन अवेलेबल ऑन दी अर्थ। जो कच्चा मटेरियल हमें अर्थ पे मिलता है रॉ के फॉर्म में, उसको हम पिग एरन कहते हैं। जब इस पिग आयरन को हम ब्लास्ट फर्नेस में या कपोरा फर्नेस में प्योरीफाई करते हैं, तो प्योरीफाई करने के बाद जो आयरन हमें ऑब्टेंड होता है, इट नोन एज अ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के जो कंपोजिशन होते हैं, कार्बन 2-4%, सिलिकन 0.5-2%, सल्फर 0.06-2.8%, फॉस्फोरस 0.15-1.2%, मैग्नीज 0.5-1%। दिस वॉज द कंपोजिशन यूज इन कास्ट आयरन। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कास्ट आयरन, इट इज चीप मटीरियल, इट हैज़ गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज, इट हैज़ गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट हैज़ गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टी, गुड करोजन रेजिस्टेंस। सो इट इज़ यूज फॉर वाटर पाइप्स, डज नॉट अट्रैक्ट टू मैग्नेट। जो कास्ट आयरन होता है, क्योंकि ये कम प्योरीफाई मटीरियल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट जो प्योरीफिकेशन होता है उसके बाद जो मटीरियल बनता है वो कास्ट आयरन होता है। तो ये चीप मटेरियल होता है, इसके बहुत सारे कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को या हम इसके शीट मेटल्स या शीट्स को मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी अच्छी होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है तो थिन शीट्स बनाई जा सकती है। डैम्पिंग प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है। करोजन रेजिस्टेंस होता है और ये मैग्नेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है। इसका जो यूज़ होता है वो बेसिकली बहुत जगह यूज़ होती है। इट इज़ यूज इन मैनी टाइप ऑफ सैनिटरी फिटिंग्स लाइक मैन होल्स, वाटर पाइप मैन्युफैक्चरिंग, यूज इन CI इंजन्स, मेटल कॉलम्स या कॉलम बेस कैन बी मेड यूजिंग अ कास्ट आयरन। रेल चेयर्स और कैरेज व्हील आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय कास्ट आयरन। सेवरल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कैन बी मेड बाय द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन हैज अ फाइव टाइप्स: ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मोल्डेड कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन। दे हैव अ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड डिफरेंट परसेंट ऑफ अदर अलॉयिंग एलिमेंट्स यूज इन दिस काइंड ऑफ कास्ट आयरन। द बेसिक डिफरेंस इज दैट इन ग्रे कास्ट आयरन इट इज नेम सजेस्ट, इट इज ग्रे इन कलर। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो बेसिकली ग्रे कलर का होता है, जिसका उसका जो अपीयरेंस होता है वो ग्रे कलर का होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर या कोर्स होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी लो होता है, इसकी वीक स्ट्रेंथ होती है और इट कैन बी यूज फॉर कास्टिंग पर्पज। इसका यूज जो किया जाता है वो ज़्यादातर कास्टिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। कास्टिंग प्रोसेस का मतलब है कि जब हम पहले एक मोल्ड तैयार करते हैं, जैसे शेप और साइज का हमें मटीरियल तैयार या पीस तैयार करना होता है, वर्क पीस तैयार करना होता है, उसका एक पहले शेप जनरेट किया जाता है सैंड में, एंड देन वी प्योर द मेटल इन अ लिक्विड स्टेट। उसमें लिक्विड स्टेट में मेटल को प्योर किया जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में आकर उसका शेप और साइज ले लेता है, तो वर्क पीस तैयार हो जाता है। तो वो कास्टिंग प्रोसेस होती है। जब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो हम इसको जल्दी गर्म करके किसी भी शेप और साइज में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, कास्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज बेसिकली यूज इन अ कास्टिंग प्रोसेस, जिसका कलर ग्रे कलर का होगा और स्ट्रेंथ इसकी लेकिन वीक होती है, जल्दी टूट जाता है, रेजिस्टेंस पावर इसकी कम होती है। व्हाइट कास्ट आयरन को अगर हम डिफाइन करें तो इट वॉज इसका जो अपीयरेंस होता है, इट वॉज अ सिल्वर इन कलर। इसका अपीयरेंस सिल्वर कलर का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उसकी स्ट्रेंथ भी बेटर होती है इन कंपैरिजन ऑफ वाइट ग्रे कास्ट आयरन। जो आपका मटेरियल होता है उससे इसके कंपैरिजन में ये अच्छा होता है और इसको कैन नॉट बी ईजिली हम किसी भी फॉर्म में कास्टिंग प्रॉपर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना, इसको चेंज करना, शेप को चेंज करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। मोल्डेड कास्ट आयरन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ मीडियम स्टेट ऑफ कास्ट आयरन एंड हैज़ अ प्रॉपर्टी इन बिटवीन ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन। जो मोल्डेड कास्ट आयरन होता है वो व्हाइट और ग्रे कास्ट आयरन की मिक्सिंग प्रॉपर्टी को लिए होता है, जिसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेफाइट के कम्पोजिशन होता है। सो मोल्डेड टाइप स्ट्रक्चर कैन बी डेवलप इन इट्स माइक्रो स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोल्डेड टाइप का हो जाता है, जिस और जो कार्बन कम्पोजिशन होता है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है।
malleable cast iron, it is a property which have the material to undergo many any shape without breaking or cracking. इसकी जो property होती है कि हम material किसी भी shape में easily convert कर सकते हैं, उसमें crack कम generate होते हैं, टूटता बहुत जो कम है, इसकी brittleness कम होती है. In this iron carbon contains the strength reduced and graphite contains is participated protected as a tempered carbon. जो graphite के carbon जो particles होते हैं वो tempered carbon में convert हो जाते हैं जो कि ब्रिटलनेस को कम करते हैं और इट कैन बी वर्क इजिली यूजिंग मशीनिंग. हम इसको मशीनिंग के थ्रू भी किसी भी शेप और साइज में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन्जुलर कास्ट आयरन जो होता है वो आपका हाई स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेफाइट कास्ट आयरन होता है. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशियम सीरम का यूज करते हैं और ग्रेफाइट कंटेंट कन्वर्टेड इनटू द नॉन्जुलर कास्ट आयरन. जब हम ग्रेफाइट कास्ट आयरन में सीरम और मैग्नीशियम को ऐड करके जो नया कार्बन प्रोड्यूस होता है वो आपका नॉन्जुलर कास्ट आयरन होता है. This was the comparison graph between the gray, white, molten or malleable cast iron. They have a different percentage of carbon, silicon, for magnesium, sulfur and phosphorus. If we are talking about the gray cast iron, the carbon percentage in between 2.5 to 4.0%, silicon is 1 to 3%, magnesium is 0.2 to 1%, sulfur is 0.02 to 0.25%, phosphorus is 0.02 to 1%. White cast iron ki agar hum baat karte hain, they have a carbon percentage of 1.8 to 3.6%. Silicon have a carbon percentage of 0.5 to 1.9. Magnesium have 0.025 to 0.8. Sulfur is 0.06 to 0.02. Phosphorus have 0.06 to 0.8. Molded cast iron have a carbon percentage of 3 to 4%. Silicon 1.8 to 2.8%. Magnesium 0.1 to 1.0%. Sulfur 0.01 to 0.03%. Phosphorus 0.01 to 0.1%. Malleable cast iron have a carbon percentage of 2.0 to 2.9%. Silicon 0.9 to 1.9%. Magnesium 0.15 to 1.2%. Sulfur 0.02 to 0.2%. Phosphorus 0.02 to 0.2% percentage of phosphorus. Nodular cast iron have a carbon percentage of 3.2 to 4.2% of carbon, 1 to 4% of carbon, silicon 0.2 to 1% of manganese, sulfur 0.01 to 0.03%, phosphorus 0.01 to 0.1%. This was a different kind of composition used in gray cast iron, white cast iron, molded cast iron, malleable cast iron, nodular cast iron. According to the composition of carbon and other other element, they have a different mechanical properties like malleability, brittleness, strength, resistance, power, and we can say the casting property also. Thank you. Today we are discussing about the cast iron, introduction of cast iron and different type of cast iron, their composition properties and uses of different kind of cast iron. Thank you.